निज गौरव निज संस्कृति का अभिमान ज्ञान है वह नर नहीं निरापशु है और मृतक समान है। वास्तव में हमें अपने अतीत हमारे गौरव हमारी अमूल्य विरासतों को जानना चाहिए और ये केवल पुस्तकों से संभव नहीं है, इनको जानने के लिए हमें इनमें उतरना पड़ता है, इनमें डूबना पड़ता है। आज हम प्रसिद्ध पुरातात्विक क्षेत्र भीमबेटका में हैं। भीमबेटका जिसकी खोज 1957-58 में श्रीधर विष्णु वाकणकर जी ने की थी और उन वाकणकर जी ने यहाँ पर लगभग 750 के आसपास शैलचित्र और इस प्रकार से पुरातात्विक अवशेषों की खोज की जिन्होंने इतिहास की दिशा मोड़ दी, जिन्होंने बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति भारतीय इतिहास और हमारी सभ्यता हमारे पुरावशेष लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। परंतु आज के दौर में इन्हें जानना है और अगर इन्हें जानना है तो हमें निश्चित रूप से यहाँ आना होगा और जब हम प्रकृति से रूबरू होते हैं प्रकृति का साक्षात्कार करते हैं तो ज्ञान की परतें खुलती जाती है और परत दर परत हम अपने अतीत और अपने वैभव को जान पाते हैं। तो आज हम हैं भीमबेटका में जहां हमने देखा कि प्रकृति किस मनोहर रूप में है, प्रकृति कितनी पुरानी है और कितनी पुरानी हमारी सभ्यता है, किस प्रकार मानव ने अपना विकास किया, आदि मानव किस प्रकार विकसित मानव की श्रेणी में आया, होमो सेपियन सब मानव किस प्रकार शिकार करना सीखा, किस प्रकार उसने पशुपालन सीखा, किस प्रकार उसने खेती करना सीखा। और अगर ये जानना है तो आइए भीमबेटका आइए और देखिए इन भित्ति चित्रों को, उन रॉक पेंटिंग्स को जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब दुनिया के लोग संकेतों के माध्यम से बातचीत किया करते थे उस दौर में हमारे ऋषि मुनि किसी वट वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को वेदों की ऋचाओं का पाठ कराया करते थे। ये बात केवल कागजों में नहीं बल्कि इसके पुरातात्विक प्रमाण हमारे सामने उपस्थित हैं। आज हम भीमबेटका में हैं। एक तरफ हमारे इतिहासकार पुरातत्वविद ये कहते हैं कि मिस्र की या मेसोपोटामिया की या यूनान की सभ्यताएं हमसे पुरानी हैं और हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारी 5,000-4,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम इस रॉक पेंटिंग्स को देखें, मैं चाहूंगा कि इसको आप दिखाएं। ये सभ्यता के चित्र जो आज से लाखों करोड़ों साल पुराने लिए गए हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि उस समय हमारी सभ्यता कितनी विकसित हो चुकी थी। अगर हम इन चित्रों को देखेंगे तो पशुपालन दिखाया गया है, यानी उस समय के इंसान ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। यदि हम ये देखेंगे यह ज्योमेट्रिकल कुछ संरचनाएं दिखाई है, ये ज्योमेट्रिकल संरचनाएं ये प्रमाणित करती है कि उनकी गणितीय अवधारणा विकसित हो चुकी थी। यहाँ इंसान के हाथ में हथियार दिखाए गए हैं, यानी उन्होंने पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से पुरातात्विक पत्थरों के माध्यम से ऐसे हथियार विकसित कर लिए थे, वो शिकार करना जानते थे। सही है कि वो दौर था जब इंसान अपने प्रारंभिक अवशेष में था, इसीलिए इसको हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, पुरातात्विक काल कहते हैं। और उस पुरातात्विक काल में ये समृद्ध परंपराएं हमें बताती है कि हमारी गौरवशाली परंपरा रही है और इन चीजों को हमें अपने अतीत को जानना चाहिए तभी हम अपने भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकते हैं।